हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। कल बारिश में सब ने इन्जॉय किया होगा, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। मैंने भी इन्जॉय किया, बच्चों ने भी, मगर सबानी ने नहीं किया ना। क्यों? घर के काम और हम लोग लेडीज़ ने क्या करना होता है, खाने बना बना के इनको खिलाने होते हैं, हमने क्या इन्जॉय करना है। चलो सही, आज का व्लॉग मैं घर से शुरू कर रहा हूँ। मैं भी जाऊँगा जॉब पे और सबा थोड़ा घर पे बच्चों के साथ थोड़ा टाइम पास करेगी। रोज़ ही करती हूँ, रात थोड़ा ज़्यादा होगा तो आज घर से ब्लॉगिंग होगी, ये बोल। हाँ ये सुबह से बोल रही है। तो चलो फिर मिलते हैं अभी सुबह से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद रखते हैं एकदम ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक है। और आपकी बारिश का कैसा दिन गुजरा होगा पता नहीं, हमारा तो बस गुजर ही गया है पूरा दिन। पर शुक्र है खुदा का, थैंक्स टू गॉड कि लाइट एक सेकंड के लिए भी नहीं गई। शुक्र है। बट फिर भी हम लोग कल व्लॉगिंग नहीं कर पाए, तो कोई हम लोग व्लॉग नहीं दे पाए, हमारे व्लॉग सॉरी सबसे पहले काफ़ी लेट आ रहे हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे टाइम पर ही व्लॉग आएँ। और प्लीज़ आप हमें देखा करें, हमें सब्सक्राइब करें आप लोग और हमें प्यार दिया करें। और आज का बस यही सीन है कि ताहिर अब्बास निकल रहे हैं ऑफिस के लिए और बच्चे अभी उठ चुके हैं, दो मेरे बच्चे बड़े वाले उठ चुके हैं एज ही अभी सो रहे हैं। और मैं बनाऊंगी नाश्ता। आज के पूरे दिन में जो भी घर की रूटीन होगी वो आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा ये फैमिली चैनल है और डेली व्लॉगिंग है। तो बस घर की रूटीन आपसे शेयर करेंगे, जो जो भी हमारी लाइफ में होगा ऑब्वियस सी बात है आपसे शेयर करेंगे। तो बस अभी हम करते हैं ताहिर को बाय बाय। ताहिर अभी निकल गए हैं, तो वो निकल रहे हैं। ओके बाय बाय। आपने देखा ताहिर चले गए हैं, उनको बाय कर रहे हैं हम लोग। अब वो शाम में ही आएंगे घर पे। और ये है कि ऐजी भी उठ गया है, ऐजी एकदम उठ के रोना शुरू हो गया था, क्योंकि इसकी आदत है ये सुबह उठ के ताहिर से मिलता है, ये फिर उनको जाने देता है ड्यूटी पे। लेकिन आज ये सो रहा था तो वो निकल गया है, तो अभी इसने रोना धोना शुरू कर लिया है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको थोड़ा सा मैनेज किया है, तो ये अभी भी ये देखे मेरी गोद में उल्टा लेटा जी। तो अभी बस ये है कि अभी चलते हैं किचन में और जल्दी बनाते हैं नाश्ता। ताहिर निकल गए ऑफिस के लिए, आपने देख लिया है, बच्चे भी उठ चुके हैं, अम्मी और अब्बू भी उठ चुके हैं। तो अब मैं बनाती हूँ इन लोगों के लिए नाश्ता, और टाइम हो रहा है सुबह के 8:30। और अब मैं बनाऊंगी इनके लिए नाश्ता सबके लिए। जी बेटा, स्लिपी करनी है आपको? स्लिपी करवाओ। तो बस अभी मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता, जो चलते हैं फिर किचन में और चल के बनाते हैं नाश्ता। और उसके बाद पूरे दिन में क्या होगा क्या नहीं होगा, कैमरे के पीछे हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपसे आज हम वो भी शेयर करेंगे। और चले फिर मैं बनाती हूँ नाश्ता। और हाँ जी, तो मैंने कर लिए अपने बाल टाई, क्योंकि किचन में जाने से पहले मैं कर लेती हूँ अपने बाल बांध लेती हूँ। तो इस तरह से एक चूल्हा बना लेती हूँ, बन बना लेती हूँ, अपना निकल ली, अपना जा रही हूँ किचन में। आज चलते हैं किचन में जी। तो मैं स्टार्ट करने लगे मैं नाश्ता। आजकल मक्खियों ने इतना तंग किया हुआ, इतनी फ्लाइज हैं और माय गॉड पूरे किचन में कमरों में आ जाती हैं, इतना तंग करती हैं ये मक्खियाँ, तबा तबा बहुत इन लोगों ने परेशान किया हुआ है। तो अब मैं स्टार्ट करने लगी नाश्ता और आपको फिर मिलती है नाश्ता बना के। सबसे पहले हम अपना वॉश करेंगे तवा। और ये हमारी चाय भी बन रही है चूल्हे पर। ये हमारी कैमरे के पीछे की चीज़ है जो मतलब हम लोग आप लोगों को नहीं दिखाते, आज भी दिखा रहे हैं। और यहाँ से मैं निकाल रही हूँ खुश्क पानी।
हाँ जी, तो नाश्ता मेरा बन गया है और मैं नाश्ता बना के भाई हूँ अंदर आके बैठ गई हूँ और अभी बच्चे वेस्ट वॉश वगैरह कर रहे हैं, वो लोग कर लें तो फिर हम लोग नाश्ता स्टार्ट करेंगे। और ताहिर भी ऑफिस पहुँच चुके हैं और बाहर के हालात बहुत ही ख़राब है, मतलब कि पानी की वजह से जगह जगह पर पानी खड़ा हुआ है। वो क्लिप उन्होंने कुछ शूट की है, वो क्लिप हम लोग वीडियो में डाल देंगे तो आप लोग देखिएगा कि कराची का कितना बुरा हाल है। और बस अब हम लोग करते हैं नाश्ता, फिर आपको नाश्ते पर मिलते हैं। आप हमारी वीडियोस देखते हैं? आप हमारे वीडियो देखते हैं? प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, प्लीज हम चाय करें और लाइक करें, लाइक करें, हमें प्यार दें, हमें प्यार दें। मैं छोटा सा बेबी हूँ, मैं छोटा बेबी हूँ, एजी एजी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू, थैंक यू। अभी मिलते हैं नाश्ते के बाद। अब मिलते हैं नाश्ते बाद, बाय। ये कुछ हमारे बिहाइंड द कैमरा सीन है जो हम लोग आपको नहीं दिखाते हैं। ये देखें इनके हालात, मेरे बच्चों के, ये कैसे आपस में मस्ती और सब करते रहते हैं। तो ये हमारे बिहाइंड द कैमरा सीन है जो मैंने आपको सुबह कहा था कि आपको दिखाऊंगी कुछ कुछ सीन। तो ये कुछ कुछ सीन है। और एक सीन ये भी है कि ये देखिए कैंजी हमारा पराठे लेके आया किचन में से, ये भी बिहाइंड द कैमरा सीन है। जी हमारा ये नाश्ता आ चुका है। आज हमारे नाश्ते में है चने की दाल जो मेरे बच्चों की बड़ी फेवरेट है, चाय, पराठे और ये ऐजी, ओह सॉरी शैरो, 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शैरो। और ये ऐजी से तो आप मिल लिए आप लोगों ने, अभी देखें ये थम भी पीता है, ये भी बिहाइंड द कैमरा हमारे सीन है, ये थम पीता है और हर टाइम इसके मुंह में थम रहता है। प्लीज़ हमें कमेंट में, अगर किसी को पता हो ना थम छुड़वाने का तरीका तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ जी, तो नाश्ता हमारा हो गया डन, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है और बच्चे बाहर चले गए हैं सहन में क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़ और ये बाहर नहाना शुरू हो गए हैं बारिश में। और मैं अब करूँगी सफाई, अपना कमरा नीट करूँगी और फिर किचन वगैरह नीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और बच्चे का करें वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें जी मेरा किचन भी बिल्कुल साफ़ हो गया, बर्तन बर्तन मेरे धुल चुके हैं और ये कपड़ा मैंने इसलिए डाला हुआ है बर्तनों पर क्योंकि ये ना मक्खियाँ बहुत हैं इस मौसम में होती, तो फिर ये बर्तनों को गंदा करती हैं, तो फिर आपने इसमें खाना होता है। और मैं जब भी इनको यूज़ करती हूँ ना, मैं पहले बच्चों को बोलती हूँ, फिर भी आप लोग जब निकालते हो ना स्टैंड से बर्तन तो पहले वॉश किया करो, और मैं खुद भी ऐसे करती हूँ, पहले वॉश करके फिर मैं यूज़ करती हूँ। ये एक दफ़ा मेरे कमरे की आप हालत चेक कर लें कि मेरे बच्चों ने हालत बेड की क्या की हुई है, ठीक है। ये देखिए जरा ये क्या हालत मेरे बैठ के करी हुई इन लोगों ने, ये सिर्फ नाश्ता करने के दौरान लोगों ने इतना गंद कर दिया है। तो अभी मैं आपको मिलती हूँ सफाई करने के बाद। हाँ जी, तो ये मैं आज चेंज करने लगी अपनी बेडशीट भी, और मैंने बेडशीट उतार दी और ये नीचे ना वो है प्रोटेक्टर है, वाटरप्रूफ है ये, तो इससे आपका मैट्रेस नहीं बिल्कुल भी ख़राब होता। तो ये मुझे बड़ा पसंद था तो मुझे मेरी बाजी ने गिफ्ट किया था, बड़ी वाली ने। तो बस अभी मैं बेडशीट चेंज करने लगी हूँ, बाकी मैंने चीज़ें पूरा देखे, कमरा ऑलमोस्ट कर ही दिया है नीट, कुछ कुछ चीज़ें ये टॉयस वगैरह, ये वहाँ पर मैंने एक छोटा सा कॉटन रखा हुआ है कॉर्नर में, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जाएंगे सारे टॉयज उसके अंदर, ये देखें ये मैंने आजी का छोटा सा रखा हुआ है कॉटन, इसमें से इसको निकालना बहुत इजी हो जाता है। तो ये सारे टॉयज जाते हैं इसके अंदर, जब वो खेल लेता है तो फिर हम लोग इसमें वापस डाल के इसको बंद करके यहाँ पर बेड के साथ ही रख देते हैं ताकि वो इजीली फिर अपने टॉयज निकाल सके, उनके साथ खेल सके। तो बस यही है। ये देखें जी मेरा रूम हो गया बिल्कुल क्लीन,
ये वाले जो कैन है इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ये हमारा कोई ना लाइक पीछे रास्ता नहीं है, पीछे घर है। तो ये एसी की जो वायर्स है ना, ये भी इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि पीछे दीवार है दूसरे घर वालों की, तो जाहिर सी बात है उनको तो परेशान नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने इसी तरह से इसको एडजस्ट करवाया है। और ये जो एसी का जो पानी निकलता है उसका पाइप है, और ये इस कैन में फिल हो जाता है तो फिर हम इसको बाहर वेस्ट कर देते हैं। तो ये इसलिए कैन यहीं पर रहती है हमारी, ये हिलती नहीं। और ये जो पंखा है ना, ये सोलर का पंखा है, तो ये भी यहीं पर रहता है, जब कभी लाइट जाए तो फिर हम लोग सोलर ऑन कर लेते हैं। बस ये हमारा रूम हो गया नीट एंड क्लीन। ये बच्चे भी कैन जी लोग अब थोड़ी सी स्टडी करने लगे हैं, अपनी अपनी बुक्स वगैरह चेक करने लगे हैं। हाँ जी, तो काम हो गया मेरा डन, मेरी सफाई भी डन हो गई, मेरा किचन क्लीन हो गया, अब मैं बिल्कुल फारिग हूँ। लंच हमारा आज बना हुआ है, मैंने बनाई थी कल बिरयानी और चने की दाल, तो वो हमारा खाना पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों आज वो ख़त्म करते हैं, आज कुछ नया नहीं बनाते, फिर अगर नया कुछ और बना लो तो पुराना वाला आपका वेस्ट हो जाता है, तो रिस्क को ज़ाया करना बहुत बुरी बात है। इस रिस्क के लिए पता नहीं हम लोग कहाँ कहाँ धक्के खाते हैं और कमाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क को ज़ाया करना नहीं चाहिए। जो आपके पास है पहले उसको फिनिश करो, फिर दूसरा बनाओ। तो जी मैं दिखाती हूँ आपको मेरा रूम अब कैसा लग रहा है और पहले कैसा लग रहा था। हाँ जी, तो बस आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था, मैंने अपनी आपके साथ रूटीन शेयर कर दी है, शाम की और दोपहर की करूँगी फिर कभी रूटीन आपके साथ शेयर। और आज का खाना तो मैंने दोपहर में बनाना ही नहीं है, वरना मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देती, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग हो जाएंगे बोर देखते देखते, तो इस वजह से मैं आज बस अपने व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, और इस मौसम में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं या हम अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें प्यार दीजिएगा, आपके प्यार की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, खुदा हाफिज़।